भारत और श्रीलंका के बीच पेटीएम टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। पहला मुकाबला रद्द हो जाने के बाद दोनों ही टीमों की नजर आज के होने वाले मुकाबलों में है। वैसे आपको बता दें कि होलकर का मैदान टीम इंडिया के लिए जबरदस्त साबित हुआ है। टीम इंडिया ने यहाँ पर 3 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और एक में भी भारतीय टीम को हार नहीं मिली है। आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए पिच भी काफी ज्यादा अनुकूल बताई जा रही है। बता दें आपको कि होलकर के मैदान पर उतना ज्यादा ड्यू फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा जितना अमूमन देखा जाता है। होलकर का स्टेडियम प्रदेश के बेहतरीन स्टेडियम्स में से एक है। ऐसे में इस मैदान पर हमेशा चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है। ग्राउंड छोटा है, इस वजह से यहाँ पर खिलाड़ी छक्का टपाने में ज्यादा जोर नहीं लगाते। बड़ी बात यह है कि आज की पिच देखकर तो यही लगता है कि आज मैदान पर चौके छक्कों की बारिश होने वाली है। पिच इस तरीके से रखी गई है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो दोनों ही पारियों में बल्लेबाजी करना यहाँ पर आसान होगा। गेंद बल्ले पर अच्छा आएगा और गेंद ज्यादा स्किट नहीं होगा। अगर यहाँ पर स्कोर की बात की जाए तो अगर जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसके लिहाज से 225 से 250 का स्कोर उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस ग्राउंड पर कोई भी स्कोर सेफ नहीं माना जा सकता। ऐसे में होलकर के मैदान के लिए दोनों टीमों के लिए जरूरी है कि आज हार्ड हिटिंग दिखे, क्योंकि पिच तैयार की गई है 250 वाली। अब देखना है कि आज का मुकाबला कौन जीतता है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।